दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटेंट कंपोनेंट का आप यूज स्केचर में कैसे कर सकते हैं। तो यही एक ऐसा एक मात्र कंपोनेंट है जिसका कि यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाते हैं। तो अगर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर हम नहीं जा पाएँ तो हमारा ऐप बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम इसी इंटेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको बताते हैं कि यहाँ से आपको इंटेंट कहाँ से लेना। आप यहाँ पर जाते हैं तो इसे इवेंट में स्क्रॉल करके कंपोनेंट में जाना होता है एंड यहाँ से नीचे प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करके इंटेंट को ऐड करना होता है। तो इसे इंटेंट को हम ऐड करते हैं जैसे, तो यहाँ पर आपको इंटेंट का नाम देना होता है। तो आपको ऐसा लगता है इंटेंट का नाम कुछ ऐसा दिया जाए, तो यदि आप कैपिटल में यूज़ करते हैं, कैपिटल में ऐसे कुछ वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो आपका सिंपल है कि ये हो जाता है। लेकिन अगर इसमें स्पेस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर स्पेस आपको अलाउड नहीं किया जाता है, ठीक है। स्पेस का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेस या फिर डैश का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। आपको यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा है कि बस इसमें आपको क्या करना है, नंबर्स एंड लेटर्स का जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें मायने ये नहीं पड़ता है कि आपको इसका नाम क्या है। इंटेंट का नाम आप बहुत सारे लोग आई के नाम से रखते हैं, तो फिलहाल आप इंटेंट को इंटेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करना पड़ता है इसे एंड ऐड जैसे करते हैं तो अब आपका ये इंटेंट कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो इवेंट सेक्शन में आपको ऑन क्रिएट या फिर कोई भी ब्लॉक्स, आपको जहाँ पर ब्लॉक बनाते हैं वहाँ पर आपको इंटेंट कंपोनेंट में इतने सारे चीज़ आपको दिखने लगते हैं, ठीक ना। तो इतने सारे चीज़ दिखने लगते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो ये टोस्ट वाला कॉपी कीबोर्ड या फिर एक्टिविटी से टाइटल, तो ये आपका होता है पहले से बना हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या होता है, इंटेंट का अब जो ये सारा ब्लॉक मिल रहा है आपको, ये इंटेंट को ऐड करने के बाद मिलता है। तो इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक्शन है, मतलब कि आप एक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। आप एक्शन ले सकते हैं डायल का एक्शन कॉलिंग के लिए, कॉल का एक्शन आप कॉल स्क्रीन पर लाने के लिए, एंड व्यू का एक्शन आप कहीं भी जाने के लिए या फिर कहीं भी शेयर करने के लिए, डाटा को इधर से उधर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ये सेफ डाटा, मतलब आप जिस डाटा का एक्शन के थ्रू लेके जाना चाहते हैं वो डाटा आपका क्या होना चाहिए, कौन सा डाटा आप इसके थ्रू लेके जाना चाहते हैं। एंड अब ये होता है सेट स्क्रीन, मतलब कि अब आप इसे किस स्क्रीन पर लेके जाना चाहते हैं। अभी मेन एक्टिविटी आ रहा है क्योंकि एक ही स्क्रीन है हमारे पास जिस स्क्रीन पर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट स्क्रीन कोई भी हम स्क्रीन ऐड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं वो सभी स्क्रीन के। तो फिलहाल हमें यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी इंटेंट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। एंड ये हमारा इंटेंट का जिसको हम लोग यूज़ करते हैं की और वैल्यू दोनों के साथ यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर डेटा सेट करके लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पर आप एक्स्ट्रा की भी लेके जा सकते हैं और साथ में उसका वैल्यू भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि ये सेट फ्लैग्स वाला है, तो इसमें आप फ्लैग सेट कर सकते हैं कि आपका फ्लैग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्लैग चूज़ कर सकते हैं कि सिंगल टॉप होना चाहिए या फिर क्लियर टॉप होना चाहिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, ब्लॉक वाले वीडियो में आपको इसका यूज़ बता दूंगा कि आप कैसे यूज़ कैसे करना है, बसते आपको इस वीडियो में मैं समझा रहा हूं केवल। तो ये स्टार्ट एक्टिविटी है, स्टार्ट एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में स्टार्ट होने का काम करता है। जैसे आपके गाड़ी में कभी तेल डालते हैं या फिर उसे स्टार्ट करते हैं तो वही काम होता है कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसका पहिया घूमता है। तो सेम काम यहाँ पे होता है कि आपका ये जब स्टार्ट करेंगे आप तभी आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा पाएंगे, तो ये स्टार्ट करने का काम करता है। एंड ये है फिनिश एक्टिविटी, एंड ये फिनिश एक्टिविटी क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए फिनिश एक्टिविटी हो गया मतलब कि आपका अब गाड़ी बंद हो गया, अब वहाँ से आपका गाड़ी पीछे नहीं आने वाला है, मतलब वो स्क्रीन पर आप पहुँच गए तो उस स्क्रीन से आप पीछे नहीं आ सकते, वहाँ से ही आपको क्लोज करना पड़ेगा। और अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं तो उस स्क्रीन से आप वापस उसी स्क्रीन पर बैक होने के बाद आ सकते हैं। तो देन आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटेंट कंपोनेंट का यूज़ कैसे करते हैं एंड इसके ब्लॉक्स के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।